बताइए कि नहीं, नहीं, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर गुरु कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, आपके 25 से 30 नेता अचानक जाकर शामिल हो जाते हैं शरद पवार के साथ, शरद पवार बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भगदड़ क्यों है भाई? गरिमा जी नमस्कार, सारे साथियों को भी नमस्कार। आपने जो जिक्र किया कि 25 वरिष्ठ नेता हमारे जो है वो कल पवार साहब के साथ चले गए, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि वो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, उनमें कोई विधायक नहीं था, कुछ पूर्व पार्षद जरूर थे। अब वहां की हालत ऐसी है कि महायुति का जब चुनाव को सामना करने का समय आएगा तो वहां पर लोकल लेवल पर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के। अब हम महायुति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है उनके साथ हमारा गठबंधन है, तो ये स्पष्ट है कि जहां जहां विधायक नहीं थे, अविनाश जी छगन भुजबल तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गरिमा जी ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाराज भी है, ये भी आपकी जानकारी में होगा अविनाश आदे। भुजबल साहब ने प्रेस भी ली थी और उन्होंने उस पर बयान भी किया कि जरूर वो पवार साहब से मिलने गए थे, जरूर उनकी चर्चा हुई थी, वो मराठा आरक्षण के संबंध में थी, वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और मराठा दगर जो समाज है उनमें कोई फूट पड़े। पवार साहब एक वरिष्ठ नेता है, देखिए हमारे में जो भी मतभेद हैं वो राजनीतिक हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पवार साहब को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता वो है, उस लिहाज से भुजबल साहब उनको मिलने गए थे कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक खराब सी स्थिति निर्माण हुई है महाराष्ट्र मराठा आरक्षण के बारे में, उस पर कोई अच्छी पहल पवार साहब करें, और ये जो एक खराब माहौल महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है उसको हम समय पर रोक सके। सीएम शिंदे आपके पास है, वो भी मराठा नेता है, और शिंदे से कहते हैं उसके पहले शरद पवार को तो छोड़कर चले आए दोबारा जाने की, इसलिए कि मराठाओं के लिए कुछ कीजिए तो बेहतर होता भाई, अपने महागठबंधन में आप पहल दोबारा से कहता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब भी इससे नाराज नहीं है कि भुजबल साहब को लिखे, किसी वरिष्ठ नेता ने पवार साहब से जाकर चर्चा की है तो ये सकारात्मक बात है। इससे यही बात पता चलती है कि पूरी महायुति की जो सरकार है इस विषय में वो बहुत ही नाजुक तरीके से देख रही है, वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई बेबना हो। अविनाश, और यही आप दो आरएसएस की पत्रिकाएं ऑर्गेनाइजर से लेकर विवेक से लेकर सब ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं, उसके बावजूद आप साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ये मानो अविनाश? ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भाई आपसे कहता हूँ, एक एक कार्यकर्ता कह रहे हैं हार का जिम्मेदार एनसीपी है अजीत पवार गुट। ऑर्गेनाइजर और विवेक में जो भी मत लिखे गए वो उनका अधिकार है, लेकिन एक मान के चलिए कि ये जैसे गुरुजी ने कहा कि एक माता पिता जो होते हैं जैसे कि आरएसएस जो इनके पीछे बताई जाती है, उनका काम है उनका जिम्मा है कि वो कुछ कारण पता करें कि क्यों ऐसा हुआ। अब वो उनका विचार है, उन्होंने वो रखा। अब अजीत दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आने से अगर नुकसान हुआ है तो जरूर भाजपा इसके ऊपर विचार करेगी, लेकिन आप देख रही हैं कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कल नागपुर के दौरे में इस विषय में अपने विचार रखे तो उन्होंने यही कहा कि भाई अजीत दादा और राष्ट्रवादी आने के बाद महायुति की ताकत जो है वो बढ़ गई है। अगर कहीं भी उनको या किसी को ऐसा लगता जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है कि इनके आने से कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ माहौल खराब हुआ है तो जरूर उस पर बात करते हैं। जहां तक हमारा महायुति का सवाल उठता है, संकेत बहुत सारे मिल गए क्या? जी हो या अजीत दादा, एनसीपी अजीत पवार गुट को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, एमओएस की पेशकश थी आपने बनने से मना कर दिया, अजीत पवार ने कहा कि भाई एमओएस, बिल्कुल गरिमा जी आपने बिल्कुल सही कहा, ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखा गया एनसीपी जिम्मेदार, विवेक में एक और साप्ताहिक पत्रिका उसमें आर्टिकल लिखा गया एनसीपी जिम्मेदार, वॉशिंग मशीन करप्शन धोने वाले ऑर्गेनाइजर हो, विवेक हो, वो जो भी मत लिखा गया वो किसी राइटर किसी व्यक्ति के वो विचार थे, वो आरएसएस के पूरे विचार थे ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो बिल्कुल वो विचार नहीं है। रही बात केंद्र सरकार में हमारा शामिल होने की, तो जब हमारे एक ही सांसद चुन के आए हैं, जब राज्यसभा में हमारे आज की तारीख में सिर्फ दो ही सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब हमारे आला नेताओं को कहा कि कुछ फॉर्मूला पे हम काम कर रहे हैं तो हम आपको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का जो है आपको पेशकश करते हैं, आप चाहे तो इसमें आप स्वीकार करके शामिल हो जाए, तो हमने उनको कहा कि भाई आपकी दिक्कत हम समझते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ओर से हम प्रफुल्ल भाई पटेल साहब को मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, और क्योंकि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं
हम नहीं चाहते कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के पोस्ट पे वो आए, तो जरूर आप इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार करें। हम यही चाहते हैं कि कैबिनेट में हमें नहीं, सब इतना बढ़िया था अविनाश आदिक, मैं फिर उस पर आऊंगी। अगर सब महायुति में सब इतना शानदार था कि एनसीपी के आने से ताकतवर भी हो रही थी महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन, और फिर भी सिमट कर 41 पर रहे, 41 से रह गए 17 पर, एक सीट आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने, मात्र 9 सीटें बनी बीजेपी की, इतना मजबूत था गठबंधन। मजबूत तो जरूर था लेकिन हाँ। जो भी वहां पर खामियां रही उसको हम भरकर विधानसभा का सामना करना चाह रहे हैं। और आपको मैं अभी आश्वासित करता हूं कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके पश्चात जो नतीजे आएंगे वो लोकसभा से बिल्कुल विपरीत होंगे। चरण सिंह सपर